कोई भी गुण है वो 100% गुण धारण करने वाले भी हैं और 1% भी धारण करने वाले हैं। इसलिए ये क्लियर नहीं किया जा सकता कि अव्वल नंबर अंतर्मुखता क्या है, वो तो जो उसमें टिकने वाला है वो ही जान सकेगा, दूसरे की समझ में आएगा ही नहीं। और एक प्रश्न आया है, कोई कोई माताएं मासिक संगठन करते हैं, दूर दूर से माने 2 घंटा दूर 3 घंटा दूर दूर से आने वालों के लिए खाना बनाने का इंतजाम करते हैं। ऐसा करना श्रीमत के बरखिलाफ है क्या या श्रीमत के अनुकूल है? खाना मना है, खाना खाना मना है तो फल खिलाने का चक्कर चलाते हैं, इसके लिए सबको श्रीमत चाहिए। कोई काम करते हैं तो काम करने के पीछे एम ऑब्जेक्ट देखनी चाहिए या नहीं है? देखनी चाहिए। तो ऐसे दूर दूर से जो बुलाते हैं संगठन करने के लिए अपने घर में, जबकि मिनी मधुबन में संगठन होता ही है, होता है या नहीं होता है? होता है। फिर अपने घर में बुलाते हैं, खाना बना के खिलाते हैं या फल खिलाते हैं, तो ये श्रीमत के बरखिलाफ है क्या? एम ऑब्जेक्ट क्लियर है उनका, इसलिए बुलाते हैं। बहुत लोग समझ भी सकते हैं किस लिए बुलाते हैं, है? शांता बहन का कहना है ये अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बुलाते हैं कि देखो हमारा घर बड़ा है, हम अच्छा अच्छा खिलाए पिलाए सकते हैं, बहुतों को संसर्ग संपर्क में ला सकते हैं। बाबा ने कहा जिसके घर में बहुत मेहमान आते हैं वो बहुत भाग्यवान होता है। तो हमारे घर में देखो इतने मेहमान आ रहे हैं, हम उनका प्रबंध कर सकते हैं। जो और गीता पाठशालाओं वाले गरीब लोग हैं वो इतना प्रबंध नहीं कर सकते हैं। तो जो ज्यादा बड़ा संगठन कर सकते हैं वो बड़ी यूनिटी वाले हैं, और जो संगठन नहीं बना सकते हैं, इतनी बड़ी यूनिटी नहीं दिखा सकते हैं, तो कम्युनिटी वाले हैं। यूनिटी बड़ी है तो प्योरिटी ज्यादा है, बाबा ने बोला ना, बड़ी यूनिटी बना सकते हैं तो प्योरिटी बड़ी है, और यूनिटी नहीं है तो प्योरिटी भी नहीं है। तो साबित क्या हुआ है? क्या साबित हुआ है? हाँ, हम बड़ी यूनिटी वाले हैं, ये प्रदर्शन करने की ताकत हमारे में है, है या नहीं है? है। ये पॉम्प एंड शो करने की ताकत कौन से धर्म वालों में होती है? है?
क्रिश्चियन धर्म वालों में होती है। तो अपनी एक्ट से, अपनी चलन से, अपने व्यवहार से, वातावरण दिखा करके, सुना करके, अपने धर्म को अगर हम प्रत्यक्ष कर दें तो इसमें कोई बुराई है क्या? है बुराई है? है? है बुराई तो नहीं है। कोई बाप को प्रत्यक्ष बाद में करेंगे, अपनी प्रत्यक्षता पहले कर देंगे, ये विधर्मियों का काम है या स्वधर्मियों का? है ये विधर्मियों का काम है क्या? अपनी प्रत्यक्षता पहले करेंगे संसार में कि हम बड़े हैं, और बाप की प्रत्यक्षता बाद में देखी जाएगी। बाबा ने बोला है ना, फादर सो संस, क्या संस? तो बाप ने हमको सब कुछ दिया है इस जन्म में, दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। तो बाप हमको प्रत्यक्ष कर रहा है, इसमें हमारा क्या दोष? छोटी गीता पाठशाला वाले गरीब लोग हैं, भगवान ने उनको इस जन्म में नहीं दिया है, तो भगवान बाप ने नहीं दिया है, बाप उनको नहीं प्रत्यक्ष करना चाहता, इसमें उनका क्या दोष और हमारा क्या दोष? दूसरी बात, जो दूर दूर से आते हैं, 3 घंटा सफर करके आते हैं, उनका किराया कितना खर्च होता होगा? है 3 घंटा दूर से आएगा तो कितना किराया खर्च होता? 1 घंटे में 4 व्हीलर हो तो कम से कम 40-60 किलोमीटर दौड़ता है क्या? अच्छा 30 किलोमीटर दौड़ेगा कि नहीं 1 मिनट में? तो पेट्रोल तो खर्च होगा ना, जितना पेट्रोल खर्च होगा चलाने वाले की ताकत भी खर्च होगी, पुर्जों उर्जों का खर्चा भी आएगा, तो टोटल मिला करके कुछ तो खर्चा होता है। अच्छा कम से कम कितना खर्चा होता होगा 3 घंटे दूर से जो आते हैं? है आना जाना दोनों 200 रुपया खर्च करके आते हैं, हमारी उनसे दोस्ती तो बनती है कि नहीं? है दोस्ती बढ़ेगी या दुश्मनी बढ़ेगी? दोस्ती ही बढ़ेगी, बड़ी बढ़िया दोस्ती है। तो 200 रुपया आने का खर्च करा दो, 200 रुपया जाने का खर्च करा दो, और घर वालों से जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, लौकिक घर वालों से दुश्मनी होगी कि दोस्ती होगी? क्योंकि ऐसी परंपरा अगर बढ़ती जाएगी कि जितनी गीता पाठशालाएं होंगी उतनी गीता पाठशालाओं वाले बड़े बड़े संगठन करने लगेंगे, ये परंपरा बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। एक को देख करके दूसरा भी करेगा, हमें देख दूसरे भी करेंगे, तो कितना पैसा खर्च होगा दूर दूर से आने वालों का? कोई एक दिन की बात नहीं है, रोजमर्रे की बातें हो गई। तो लौकिक घर वालों का प्रेशर बढ़ेगा, दुश्मनी बढ़ेगी या दोस्ती बढ़ेगी? है अरे उनकी बढ़ेगी तो बढ़ेगी, हम उनका स्वार्थ देखें या अपना स्वार्थ देखें? किसका देखना चाहिए? है अरे किसका देखना चाहिए? अपना स्वार्थ देखना चाहिए। अरे बाबा ने तो कहा है, शास्त्रों में भी कहा है, बड़े बड़े ऋषियों विद्वानों ने भी कहा है, सुर नर मु ने सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। बाबा ने भी कहा जिनको रथ होगा उनको स्वार्थ जरूर होगा, तो वो तो होना ही होना है, फिर इसमें हमारा क्या दोष है? दोष है या नहीं है? अरे वो कह रहे नहीं है। बहुत वंडरफुल ज्ञान है। और इंजन में 200 प्रवेश हो रहे हैं, 200
सेंटर में दो सोल प्रवेश करती है। दुनिया के बीज कितने हैं? कम से कम बीज कितने हैं और मीडियम बीज कितने हैं और ज्यादा से ज्यादा बीज कितने हैं? दुनिया के कितने बीज हैं? है? जिन बीजों से दुनिया बनती है 500-700 करोड़ की, अरे उसमें इस्लाम धर्म के भी बीज हैं, तो नास्तिक धर्म के भी बीज हैं, तो अर्धनास्तिक धर्म के भी बीज हैं, स्वदेशी धर्मों के भी बीज हैं, तो विदेशी धर्मों के भी बीज हैं, प्रजावर्ग में जाने वालों के भी बीज हैं और राजवर्ग में भी जाने वालों के बीज हैं। ज्यादा से ज्यादा बीज कितने हैं? 4.5 लाख। जो भी 4.5 लाख बीज हैं वो सारी दुनिया के बीज हैं या आधी चौथाई दुनिया के बीज है? सारी दुनिया के बीज हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि 500-700 करोड़ की जो भी दुनिया है वो कहाँ से आती है, किन से जन्म लेती है? 4.5 लाख। तो सारी दुनिया के जो बीज है 500-700 करोड़, वो सारी बाबा कहते हैं रुद्रमाला है। क्या? जो बीज रौद्र रूप धारण करते हैं अंत में, तो उनकी रचना रौद्र रूप धारण करेगी नहीं करेगी? करेगी, तो वो भी रुद्र हो गए। तो बड़ी की बड़ी माला 500 करोड़ की कहो, 4.5 करोड़ की कहो, वो रुद्रमाला है। और रुद्र माला कब बनती है, किसके द्वारा बनती है? जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो यादगार में कितने सालिग्राम बनाते हैं? है? लाख दो लाख बनाने वाले, लाख दो लाख तो बनाने की घोषणा करते हैं, जिन्होंने घोषणा की है। क्या? लाख दो लाख बनाए हैं। ऐसे भी होंगे जिन्होंने घोषणा नहीं की लेकिन 4.5 लाख भी बनाए हैं। जब सतो प्रधान स्टेज होती है तो दिखावा नहीं करते थे। वो जो गोल गोल सालिग्राम बनाते हैं वो किसकी यादगार है? आत्माओं की यादगार है। वो आत्माएं आत्मिक स्थिति कब धारण करते हैं? संपन्न स्टेज में है, जब उन आत्मा रूपी बच्चों को आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा उन बच्चों को अपने फोर्स से नैनों पर बिठा कर ले जाता है। वो अपने फोर्स से जाते हैं या बाप के फोर्स से जाते हैं? ऐसे नहीं है कि आप को ही नैनों पर बिठा कर ले जाता है। आप ही दृष्टि लेते हैं क्या? हैं? हाँ, वो 4.5 लाख आत्माएं ऐसी हैं जो दृष्टि लेती है। वो बाप समान आत्माएं हैं और उनमें प्रवेश करने वाली माता समान आत्माएं कितनी है जो रचना है? 4.5 लाख। टोटल कितने सितारे हुए? 9 लाख सितारे। उनमें कौन आकर के बोलता है, सेवा करता है, सेवा का सहयोग देता है, दृष्टि का सहयोग देता है, वाचा का सहयोग देता है? तब वो 9 लाख सितारे 500-700 करोड़ दुनिया की सेवा करते हैं।
वो 9 लाख सितारे 500-700 करोड़ मनुष्यों के बीच में सितारों के रूप में ऊंची स्टेज में चमकेंगे, सबकी दृष्टि में उनके लिए ऊंची नजर होगी या नीची नजर होगी, सबके मन बुद्धि में ऊंची नजर होगी, तो उनमें बाप की प्रवेशता साबित होगी या कोई देहदारी की प्रवेशता साबित होगी, बाप की प्रवेशता साबित होगी या बाप समान बनने वालों की प्रवेशता साबित होगी। जैसे बाप आत्म के रूप में एक आत्मा ज्योति बिंदु है, लेकिन जब इस सृष्टि पर आता है तो आप समान भी किसी को बनाता है, जो आप समान बनता है बाप समान पहले पहले उसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, परंतु जो शिव है उसके कितने रूप भारत में गाए जाते हैं, है 12 ज्योतिर्लिंगम गाए जाते हैं, वो 12 आत्मा बीज रूप स्टेज को पहले पहले धारण करने वाली है, जिन 12 के आधार पर दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं सब कितनी राशियों में बांटे जाते हैं, 12 राशियों में बांटे जाते हैं। तो रुद्रमाला जो बनती है, चाहे 8 की माला हो चाहे 108 की माला हो चाहे 1008 की माला हो, सहयोगी रूपी भुजाओं की माला हो और चाहे वो 4.5 लाख की माला हो, उसके आधार पर 500 करोड़ की रुद्रमाला हो, उन सब में कौन काम करता है? बाप काम करता है। और बाप कभी अकेला नहीं होता, बाप है तो दादा भी है, वो दोनों कंबाइंड एक है, कोई कह नहीं सकता कि इसमें बाप है या दादा है। जब रामकृष्ण की आत्माएं संपन्न बनेंगी तो कोई फैसला कर सकेगा कि बाप ने प्रवेश किया कि अम्मा ने प्रवेश किया? पता ही नहीं लगेगा, दोनों बीज रूप स्टेज वाले। इसलिए बाप की प्रवेशता की यादगार है रुद्राक्ष के मन के, क्या और जितने भी धर्म पिताएं हैं वो सब स्थापना भी करते हैं और पालना भी करते हैं, लेकिन एक ही धर्म पिता है जो ऐसा काम करके दिखाता है जो काम दूसरे धर्म पिताएं नहीं कर सकते हैं। कौन सा काम? सब धर्मों का विनाश, वो एक सुप्रीम सोल ही आकर के करते हैं। बल बच्चों को निमित्त बनाते हैं नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, वो बच्चे रुद्रावतार हैं, रुद्र के बच्चे हैं, रौद्र रूप धारण करते हैं, विकराल रूप धारण करते हैं, और जब तक भगवान विकराल रूप धारण न करे, विराट रूप में साक्षात्कार न कराए, तब तक कोई उनको कोई अर्जुन पहचानता भी नहीं। इसलिए रुद्राक्ष के मण के नेपाल में विशेष पाए जाते हैं। कहाँ? जो नई दुनिया की पालना करने की यादगार वाला प्रदेश है, ऊंचाई पर है या नीचाई पर है? पहाड़ों की ऊंचाई दिखाई जाती है, दुनिया के मुकाबले वो बच्चे सबसे जास्ती बुद्धिहीन बनते हैं कलयुग के अंत में या बुद्धिमान बनते हैं? है?
बुद्धिहीन बनते हैं, कथ बुद्धि बन जाते हैं। इसलिए नेपाल की राजधानी का नाम क्या है? काठमांडू। क्या? कठबुद्धि हो जाते हैं। उन कठबुद्धियों को आकर के बाप पारसनाथ बनाते हैं। तो दो आत्माएं अव्वल नंबर रुद्र में प्रवेश दिखाई गई है, एक तीसरे नेत्र के रूप में शिव, उसको शिवनेत्र कहा जाता है, है? दाएं और बाएं नेत्र को शिवनेत्र कहते हैं? नहीं, कौन से नेत्र को कहते हैं? तीसरे नेत्र को शिवनेत्र कहा जाता है। और एक है चंद्रमा, जो सदैव मस्तक पर धारण किया जाता है। चंद्रमा अर्थात कौन सी आत्मा? कृष्ण वाली आत्मा। कृष्ण वाली आत्मा रचना बच्चा बुद्धि है या सगीर बुद्धि है? बच्चा बुद्धि है। फिर बच्चा बुद्धि होने पर भी उसको मस्तक पे क्यों धारण किया हुआ है? है? क्योंकि बच्चे महात्मा होते हैं, बच्चे अपनी विकारी बुद्धि, उनकी बिना विकारी बुद्धि होती ही नहीं। जो बात बाबा ने मुरली में जैसे बोली वैसे ही उसको जितना भी समझा, 1% भी समझा तो 1% धारण करके दिखाया या नहीं दिखाया? दिखाया। इसलिए धारणा शक्ति तीव्र होने के कारण जो भी बेसिक की आत्माएं हैं उन शिव का सिरमौर होने के कारण उस आत्मा को मस्तक पर धारण करते हैं। यहां तक कि जीवन में सबसे बड़ा धोखा खाया कृष्ण वाली आत्मा ने, 84 जन्मों के चक्र में इतना बड़ा धोखा खाने के बावजूद भी ऐसी आत्मा को सिर मोर बनाकर रखते हैं। मोर माने ताज। कोई दूसरा ताज धारण करते हैं क्या? राजा है तो ताज धारण करते हैं, देवताएं भी ताज धारण करते हैं। वो ताज धारण करते हैं कोई? नहीं, वो चंद्रमा ही उनका ताज है। चंद्रमौली कहा जाता है। तो वो आत्मा भी प्रवेश करती है। ये पक्का है, जब तक वो बच्चा वाली आत्मा बाप के ऊपर अधिकार करके सिरमौर बन करके बैठती है तब तक दोनों आत्माएं अधूरी हैं या संपूर्ण है? अधूरी है। और जब वो आत्मा प्रवेश करना बंद कर देगी, जिसको बैल कहा जाता है, उस बैल पर शंकर की सवारी हो जाती है, क्योंकि रामकृष्ण की आत्माएं संपूर्ण बनने के बावजूद भी जब संपूर्ण बनती है तो शूटिंग का काम चलता रहेगा या नहीं चलेगा? तब भी शूटिंग का काम चलेगा। शूटिंग पूरी रिफाइन हो जाती है तो भी चेक किया जाता है, उसको चेकिंग का काम चलता है। तो शंकर वाली आत्मा बैल पर सवार दिखाई जाती है।
ये हाई जंप पुरुषार्थ में लगाए तब ही सवार होती है, नहीं तो सवार नहीं हो सकती। आज सारी दुनिया में जितने भी माँ बाप हैं, उनके बाप, वो बाप रचयिता के रूप में है और सब रचयिता हैं, ये अनुभव करते हैं कि मेरे बच्चे मेरी पीठ पर ही सवार हो जाते हैं। क्या कोई ऐसा रचयिता बाप बैठा हो जो ये अनुभव करता हो कि मेरी रचना सदैव मेरी मुट्ठी में रहती है, तो हाथ उठाए है? अरे कोई नहीं है, प्रश्न ही नहीं समझे। अरे रचयिता बाप कहा जाता है, रचना बच्चा कही जाती है, रचयिता बाप के कंट्रोल में रचना बच्चा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन दुनिया में जितने भी रचयिता बाप हैं, लौकिक में भी, वो कोई ये छाती ठोक के कह सकेंगे कि मेरी रचना मेरे कंट्रोल में है 100%? कोई नहीं कह सकता। क्यों नहीं है? क्योंकि सारी मनुष्य शक्ति का जो रचयिता बाप है, उसकी रचना उसके कंट्रोल में नहीं है। जब वो कृष्ण बच्चा रूपी रचना रचयिता बाप के पूरे कंट्रोल में आ जाएगी, तो नंबर बार और भी जितने रचयिता हैं, उनकी रचना भी उनके कंट्रोल में आएगी। हर बात का हिसाब किताब है। और प्रश्न आया है, कोई जिज्ञासु गीता पाठशाला में एक दो दिन रह करके सुबह शाम दोपहर क्लास कराया जाए, एक दो तीन दिन रहे, कोर्स सुन सकते हैं क्या? जो लोग दूर से आते हैं, रोज वापस नहीं जा सकते, बाबा ने तो जवाब दे दिया है, गीता पाठशाला का नक्शा बनाना है मधुबन जैसा, बोला है कि नहीं? गीता पाठशाला का नक्शा कैसा बनाना है? है मधुबन जैसा नक्शा बनाना है। मधुबन में गीता पाठशालाओं के मुकाबले क्या खासियत देखी जो गीता पाठशालाओं में खासियत नहीं है? मोस्टली कुछ देखा या नहीं देखा? अरे अगर कोई खासियत नहीं देखी तो फिर मधुबन बनाना ही बाबा का बेकार है, फिर तो घर गृहस्थ की गीता पाठशालाओं में रह करके ईश्वरीय ज्ञान नहीं लिया जा सकता क्या? राजयोग नहीं सीखा जा सकता? पवित्र नहीं रहा जा सकता? पवित्र दुनिया स्थापन नहीं हो सकती? हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। गीता पाठशालाओं में भी नई दुनिया स्थापन हो सकती है। मिनी मधुबनों या मधुबन बनाने की बाप को कोई आवश्यकता नहीं है। अरे क्या बात, ये भाषा का प्रभाव है क्या? भाषा प्रॉब्लम, ये बड़ी आसान बात है। अरे प्रश्न ये है
कि घर गृहस्थ में रहते हुए जो गीता पाठशालाएं बनाई गई हैं, उन गीता पाठशालाओं में भी गीता ज्ञान दिया जाता है। गीता पाठशालाएं यादगार हैं कि गीता का पाठ गीतापति भगवान ने गीता पाठशाला में भी दिया है, चलो एक बार ही दिया हो। तो ऐसी गीता पाठशालाओं के द्वारा मिनी मधुबन या मधुबन न बनाए जाने के बावजूद भी नई दुनिया की स्थापना हो सकती है या नहीं हो सकती है? है? हो सकती है। फिर भगवान को फालतू हुए मधुबन और मिनी मधुबन बनाने की क्या दरकार है? अरे दरकार है। अरे अरे भगवान को मधुबन या मिनी मधुबन बनाने की दरकार है, जब गीता पाठशालाओं के द्वारा ही पवित्रता की स्थापना हो सकती है, संपूर्ण पवित्र दुनिया बन सकती है, फिर ये मधुबन का अलग संगठन बनाने की क्या दरकार? अरे हैं? संगठन क्या गीता पाठशाला में संगठन नहीं है इतना बड़ा? क्यों, गीता पाठशाला बड़ी बना दो, पैसे वाला गीता पाठशाला वाला हो और वो बड़ी गीता पाठशाला बना दे और लोगों को कहे हमने मधुबन खोल लिया, तुम इसे ही मधुबन समझो, आ जाओ। अच्छा बाबा ना आए, बाबा ना आए, बाबा ने जो गीता पाठशाला खोली है गीता ज्ञान देने के लिए और भगवान बाप खुद उस गीता पाठशाला में आता है, आता है तभी तो गीता पाठशाला कही जाती है, आता है तो क्या वहाँ पवित्र संगठन बड़ा स्थापन नहीं हो सकता? हो सकता है। अरे क्यों हंस रहे भाई, है? अरे बाबा तो गीता पाठशाला में भी जाते हैं ना, बाबा को तो उम्मीद है ये गीता पाठशाला आज नहीं तो कल क्या बन जाएगी, मधुबन का नक्शा बनाओ, बाबा ने डायरेक्शन दिया तो क्यों नहीं बन जाएगी। जो गीता पाठशालाएं आज हैं, जब सारी दुनिया में आवाज फैलेगी और गीता पाठशालाओं में बड़ी बड़ी भीड़ लगेगी तो गीता पाठशालाएं मिनी मधुबन नहीं बन सकती क्या? बन सकती है। तो बाबा को मधुबन बनाने की अलग से क्या दरकार है? बाबा के मधुबन या मिनी मधुबन बनाए बगैर नई दुनिया पवित्र दुनिया की स्थापना नहीं हो सकती क्या? हा? क्यों नहीं हो सकती? मॉडल चाहिए। अरे मॉडल छोटा भी होता है और मॉडल बड़ा भी होता है। कोई भी बड़े से बड़े मकान का छोटा मॉडल बना दो, थोड़ा बड़ा बना दो, मीडियम बना दो, मॉडल तो मॉडल है। है? अरे पवित्र दुनिया की स्थापना सिर्फ गीता पाठशालाओं वालों के द्वारा, गीता पाठशालाओं के द्वारा नहीं हो सकती क्या? अरे गीता पाठशाला बड़ा मकान बन जाए, ज्यादा लोगों के रहने का प्रबंध बन जाए तो बड़ा संगठन नहीं हो सकता? कोई गीता पाठशाला वाला बड़े कारखानों वाला निकल आए, जैसे बेसिक में मोदी के घराने की माता निकल आई, करोड़पति माता है, करोड़ों रुपया उसके नाम जमा है, मोदी परिवार ने उसको स्वतंत्र भी कर दिया, अर्थ चलो। तो क्या ऐसा कोई निकल करके बड़ी गीता पाठशाला नहीं बना सकता? है? हाँ बाबा ने कहा कि गीता पाठशाला का नक्शा मिनी मधुबन जैसा बनाओ तो बन सकता है कि नहीं? तो वहाँ बड़ा संगठन नहीं बन सकता है? बन सकता है, फिर नई दुनिया क्यों नहीं स्थापन हो सकती? अरे हैं?
सरेंडर नहीं होते। हाँ वो तो एक परंपरा बना दी कि मिनी मधुबन में सरेंडर होते हैं। तो गीता पाठशाला अगर हमने किसी व्यक्ति ने मिनी मधुबन का नक्शा तैयार कर दिया, गीता पाठशाला बन गई, ढेर के ढेर लोग इकट्ठे भी होते हैं, खान पान की भी धारणा है, रहन सहन की धारणा है, तो वहां क्या सरेंडर नहीं हो सकते है? अरे हुए, जो बांग्लादेश है ना, सुना कि बांग्लादेश की नहीं, वहाँ हिंदू ही रहते हैं या मुसलमान ही रहते हैं है? हाँ हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं, और हिंदुओं ने जो गीता पाठशालाएं खोली हैं उनका मिनी मधुबन का नक्शा भी बनाया और कन्याएं सरेंडर भी हुई क्या है? बाप के डायरेक्शन पर। बाप के डायरेक्शन पर सरेंडर होना जरूरी है। अपना अलग से दुकान खोल के बैठ जाते हैं, बाप से कोई कनेक्शन ही नहीं है। क्यों कनेक्शन क्यों नहीं? उस गीता पाठशाला से ढेर की ढेर आत्माएं आकर के मिनी मधुबन में आकर के साप्ताहिक कोर्स ले गई, भट्टी करके गई, कनेक्शन कैसे नहीं? कनेक्शन भी रहा, लेकिन ये पता नहीं चला कि वहाँ कन्याएं भी सरेंडर होकर के रही, ये बाद में पता चला। तो अगर वो हिम्मत करता तो क्या नई दुनिया नहीं बना सकता है? क्यों नहीं बना सकता है? अच्छा, जो ढेर की ढेर सारी गीता पाठशालाएं हजारों की तादाद में खुल रही हैं और आगे चल के बाबा ने कहा तुम्हारे लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे, उन सेंटर्स में जिनमें मिनी मधुबन या मधुबन का छाप नहीं लगेगा, सिर्फ गीता पाठशाला के रूप में रहेंगे, तुम्हें क्या नहीं हो सकता? क्या बोला है? उनमें प्योरिटी नहीं हो सकती? बाबा ने तो कहा आगे चल के युगलों की महिमा होगी, ऐसे ढेर के ढेर युगल निकलेंगे जो पतित दुनिया में रह करके पवित्र घर बना देंगे, घर गृहस्थ बना देंगे। वो कह रहे ना उस समय प्योरिटी आ जाएगी, क्यों नहीं आ जाएगी प्योरिटी? बिल्कुल आ जाएगी। बाबा की तो मत है कि गीता पाठशाला को मिनी मधुबन का नक्शा बनाओ है? चलो बाबा को मालूम हो गया, बाबा को समाचार दे दिया कि हम मिनी मधुबन बनाते हैं, और बाबा तो परमिशन दे ही देंगे, बाबा मना कर देंगे मिनी मधुबन बनाने के लिए है? बाबा क्यों मना कर देंगे? बाबा परमिशन भी दे देंगे मिनी मधुबन बनाओ, मिनी मधुबन का नक्शा बनाओ, ये भी तो परमिशन हो गई है? चलाना तो बाप के कंट्रोल में चलाना, क्या गीता पाठशालाएं बाप के कंट्रोल में नहीं चल रही हैं? ऐसी भी तो गीता पाठशालाएं हैं जो अपना तन का, अपना मन का, अपने धन का पूरा पोता मेल बाबा को भेज रही है। यज्ञ में क्या आता है, क्या जाता है, क्या बचत है, आर्थिक पोता मेल भी दे रही है, है? अच्छा गीता पाठशाला सम्मुख आकर के ज्ञान नहीं लेते? ढेर ढेर बैठे हैं, गीता पाठशालाएं खुली हैं और सम्मुख नहीं आते हैं?
आते हैं। है बाबा का कहना ये है, सिवाय एक बाप के और कोई भी पवित्र दुनिया स्थापन नहीं कर सकता। एक बाप है तो एक परिवार चाहिए, एक परिवार है तो धर्म सत्ता और राज सत्ता एक के हाथ में होनी चाहिए। अगर पूता पूरा पोता मेल ही नहीं दिया, सिर्फ सूचना दे दी मिनी मधुवन खोलना है, बाबा ने बोला है, हमने खोल दिया, और बाबा को कभी बुलाया भी नहीं, क्योंकि बाबा आवेंगे तो सारी पोल पट्टी खोलेंगे। अरे पोल पट्टी कोई होगी कि नहीं होगी, है नहीं होगी, होगी। सब पुरुषों को डायरेक्शन बोर्ड टाइटल दिया हुआ है, सब पुरुष क्या है, दुर्योधन दुशासन है। तो मिनी मधुबन खोलेंगे, कन्याएं माताएं सरेंडर होंगी, महाराष्ट्र में भी एक खुला था खेत में, क्या विष्णु पार्टी नाम सुना कि नहीं सुना, ढेर सारी विष्णु पार्टी निकली, उनमें एक महाराष्ट्र की भी विष्णु पार्टी निकली, भट्टी करने वाले कंपिल फरुखाबाद में भट्टी करने वाले ब्रह्मा कुमारी ने वो मिनी मधुबन खोला, माताएं इकट्ठी हुई, झोपड़ियां खेत में डाली गई और मिनी मधुबन चला, महीने दो महीने तीन महीने चला। बाबा को भी पता चला, बुलाया नहीं गया लेकिन पता तो चला, फिर बाद में पता नहीं कहाँ उड़ गया। अरे यूनिटी बिगड़ने का कारण क्या होता है, हैं? कोई भी यूनिटी बनी है सन 36 से लेकर के और अब तक ब्राह्मणों की दुनिया में, और वो बिगड़ गई, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम ही क्यों न हो, नया लेंगल का सेंटर ही क्यों न हो, बड़ा अच्छा खासा सेंटर चल रहा था, फिर सारा का सारा सेंटर उखड़ गया, सब टिड़ी बिड़ी हो गए। बाबा कारण क्या बताते हैं, इम्प्योरिटी, प्योरिटी से होती है स्थापना और इम्प्योरिटी से होता है विनाश। ये प्योरिटी की स्थापना, पवित्र दुनिया की स्थापना, सिवाय एक बाप के कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। और बाप का घर है मधुबन, कहाँ आते हैं, मधुबन में ही बाप आते हैं। अगर गीता पाठशाला में भी जाकर के मुरली चलाई तो बाप इमर्ज करके बोलते हैं, बाप की बच्चों में आस होती है, आज नहीं तो कल क्या होगा। ये गीता पाठशाला भी मिनी मधुबन का रूप बनेगी, इसलिए मधुबन जरूर चाहिए। जो गायन है मुरलिया कहाँ बाजे, है मधुबन में मुरलिया बाजे। तो सवाल ये था, गीता पाठशाला में एक दो तीन दिन रह करके कोर्स कोई सुन सकता है या नहीं सुन सकता है, अपने दिल से पूछो कि हमने मिनी मधुबन जैसा वातावरण घर का बना लिया है, क्योंकि व्यक्ति ही नहीं चाहिए, व्यक्ति के साथ साथ स्थान भी चाहिए सेफ्टी का, भाइयों के
अलग रहने का पूरा प्रबंध हो। क्या ऐसा न हो कि कोई कौआ घुसाए और चोंच मार के चला जाए। तो क्या होगा, घर का वातावरण बनेगा या खराब होगा? खराब हो जाएगा। इसलिए भाइयों का पूरा रहने का अलग प्रबंध, उनकी परवरिश करने के लिए माताओं का पूरा प्रबंध हो। सही, कम उम्र की माताएं गीता पाठशाला चलाती हैं और बाहर से अनजान भाई लोग आकर के रहेंगे तो इंप्योरिटी की आशंका है या नहीं है? है, है। इसलिए घर में माताओं का अच्छा प्रबंध चाहिए, मैच्योर्ड माताएं हो। और भाइयों को अलग रहने का प्रबंध चाहिए, माताओं के अलग रहने का प्रबंध चाहिए। सब प्रकार की वही व्यवस्था चाहिए जैसी मिनी मधुबन में देखने में आती है या मधुबन में देखने में आती है। तो जिज्ञासुओं को परमिशन दे सकते हैं कि आकर के घर में 2-3 दिन ठहरे गीता पाठशाला में और कोर्स लेकर के जाएं। है? नहीं तो नहीं। हाँ जी, ओम शांति।
कैसा है अभी की जो सीनरी है, बरसात का मौसम आता है तो हरियाली आ जाती है, चारों ओर हरियाली हरियाली देखने में आती है। लेकिन जब गर्मियों का मौसम आता है मई जून, तो क्या हो जाता है, सब सूखा हो जाता है, सूखा सूखा देखने में अच्छा नहीं लगता, चारों तरफ जैसे रहने जैसी जगह नहीं कहीं दिखाई पड़ती। तो यहाँ है विनाशी और वहाँ होगा अविनाशी। यहाँ की सीन सीनरी में और वहाँ की सीन सीनरी में बहुत अंतर है। वहाँ की सीन सीनरी 21 जन्म तक अविनाशी है, बल दुनिया बढ़ती रहेगी, दुनिया की जनसंख्या भी बढ़ती रहेगी सत्यवृत्तन, लेकिन फिर भी सीन सीनरी की स्वच्छता में शोभा में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अभी अभी देखने में जो अल्पकाल की सीनरी है वो देखने में कितना मजा आता है। लोग जाते हैं हिल एरिया में, कश्मीर घूमने जाते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, जाते हैं ना। अभी जब इतना मजा आ रहा है जो जो विनाशी चीज है उसको देखने के लिए, तो जो अविनाशी चीज होगी 100% उसमें सुंदरता भरी हुई होगी। जैसे मनुष्य में 16 कला संपूर्णता होती है, वैसे प्रकृति में भी सात्विक स्टेज होगी, 100% सात्विक स्टेज, तो देखने में कितना मजा आएगा, बस देखते ही रहो। अनुभव भी कहना है। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण बोलता है, मैं अस्त्र धारण नहीं करूँगा, शस्त्र धारण नहीं करूँगा। अगर भीष्म ने बोलता है मैं ये प्रतिज्ञा को मैं तोड़ता हूँ, वास्तव में जिनको ज्ञान नहीं है वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। हमें तो ईश्वरीय ज्ञान मिला हुआ है कि उन्होंने जो चक्र लिया था वो ज्ञान का चक्र था। ये शरीर रूपी रथ है, इस रथ के 84 जन्मों का चक्र लिया था, या कोई स्थूल पहिया था, स्थूल रथ का कोई स्थूल शस्त्र था, या ज्ञान का शस्त्र लिया था उन्होंने? कौन सा शस्त्र लिया था? ज्ञान का चक्र लिया था। ये शरीर रूपी रथ है, इस शरीर रूपी रथ के जो 84 जन्म हुए हैं, उन 84 जन्मों का जो चक्र है ज्ञान है, वो चक्र चलाया उन्होंने और दिखाया किसको? भीष्म पितामह को, कि तुम तो बीच में आए हो इसलिए मान सम्मान पा रहे हो, हम तो बहुत पुराने हैं। तो भीष्म पितामह भी झुक गए कि आज तक हम किसी के सामने नहीं झुके, अर्जुन के सामने हमको झुकना पड़ा, शिखंडी के सामने हमको झुकना पड़ा, कन्याओं के सामने झुकना पड़ा। तो ये ज्ञान के शस्त्र की बात है, बाकी वो स्थूल शस्त्र उन्होंने उठाया नहीं। हाँ, एक शिव एक ज्ञान दे रहा है, अब ये ज्ञान को ये बीके या पीबीके सब लोग नंबर वन से अर्थ समझता है या सभी एक जैसे समझता है? अभी तो नंबर वार समझते हैं, नंबर वार समझाते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर के उस सुप्रीम सोल जैसे समझाना चाहता है वैसे ही समझेंगे। नास्तिक से नास्तिक आत्मा क्यों न हो इस सृष्टि की, वो भी उस ज्ञान को वैसे ही समझेगी जैसे बाप समझाना चाहते हैं। माने साहब का एक ही संकल्प होगा, जो बाप का संकल्प सो बच्चों का संकल्प।
यही मन बन रहा, कोई का विरोध होगा ही नहीं, संकल्प मात्र भी विरोध नहीं होगा, तो दृष्टि में और वाइब्रेशन में विरोध पैदा होगा ही नहीं। फिर कर्मेंद्रियों की लड़ाई, मारा मारी, ये तो होने का सवाल ही नहीं। ये नंबर वार बनता है ना, समझने में भी नंबर वार। अच्छा, ये नंबर वार बनता है, मेल फीमेल फीमेल मेल ऐसा बनता है, सब पहले मेल बनता है या सब पहले फीमेल बनता है, ये नंबर वार, एक फीमेल एक मेल, या सभी मेल बनता है या सभी फीमेल बनता है। ये बताया कि जो आत्माएं ज्ञान को पूरी गहराई से समझती हैं, वो ज्यादा से ज्यादा जन्म मेल बनती हैं। कभी कभी उनके दो दो जन्म मेल के हो जाते हैं। और कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो ज्ञान की गहराई को उतना नहीं पकड़ पाती, लेकिन उनमें प्योरिटी होती है पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार। वो प्योरिटी के आधार पर उनको ईश्वरीय साक्षात्कार होते रहते हैं, उन साक्षात्कारों के आधार पर संगम युग में भी खुश प्रसन्न बनी रहती है। और ये प्रसन्नता जो है वो उनकी शूटिंग करा देती है। संगम युग है मौजों का युग, मन के अंदर जो प्रसन्नता के वाइब्रेशन रहते हैं उनके आधार पर वो मौज में रहती है। संगम युग भले चल रहा है तो भी मौज में है। और ये जो ज्ञानी आत्माएं हैं जिनको ईश्वरीय ज्ञान ज्यादा ग्रहण हो जाता है, दूसरों को सुनाते भी हैं, लेकिन प्योरिटी न होने के कारण वो ज्ञान की जैसे के जो पराकाष्ठा है सुख की, वो अनुभूति नहीं कर पाते। सुख की अनुभूति न कर पाने के कारण वो अंदर से दुख के वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। और वो नेगेटिव वाइब्रेशन इतना ज्ञान लेने के बावजूद भी हमको संगम युग मौजों का युग बनाते हैं या दुख का युग बना देते हैं। मौजों का युग बनता ही नहीं। जब नेगेटिव संकल्प चलेंगे, नेगेटिविटी चलेगी वाइब्रेशन में, तो फिर मौजों का युग नहीं बनेगा, मौजों की शूटिंग नहीं होगी। अभी टाइम है मौजों का युग बनाने का, मौजों को युग की शूटिंग करने का टाइम है। कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई कितना भी दुख दे, कोई कितनी भी गालियां दे, कितना भी ग्लानी करे, सन्मुख ही क्यों न करे, लेकिन हम अपने को आत्म की स्थिति में स्थिर करके उसके प्रभाव से परे रहे, हम अपने को मेंटेन कर लें खुशी को, तो जैसे कि हमारी मौजों की शूटिंग होती रहेगी। प्योरिटी ही फाउंडेशन है और ज्ञान भी फाउंडेशन है। अभी क्या बोला आज की मुरली में, किस चीज पे ज्यादा दबाव दिया? रोज ज्ञान सुनना है। ज्ञान भी एक प्रकार का बल है, भगवान आता है तो ऊपर से क्या लाता है हमारे लिए? धन संपत्ति लाता है, सुख लाता है, है? हमको बीमारियां शरीर में लगी हुई है, हमारी हमारी बीमारियां खत्म कर देता है। इससे तो अच्छे डॉक्टर लोग अच्छे हैं, है? हमारी तन की बीमारी तो ठीक कर देते हैं। भगवान तो कुछ भी नहीं लाता, कुछ देता है क्या? धन देता है, है? तन की सुरक्षा देता है, तन को क्योर करता है, स्वस्थ बनाता है, नहीं, कुछ भी नहीं। क्या देता है? ज्ञान ही उसका वर्षा है। तो जो उस ज्ञान के वर्षे की कदर करता है, यहाँ कदर करेगा, वो फिर श्रेष्ठ बनेगा। भले जन्म जन्मांतर की कोई प्योर आत्मा हो, जन्म जन्मांतर की लक्ष्मी बनने वाली, पार्वती बनने वाली आत्मा ही क्यों न हो, वो भी उतनी प्राप्ति नहीं कर सकेगी जितनी पाप की जो प्रॉपर्टी है ज्ञान धन, उसको जिसने जितनी ज्यादा वैल्यू दी होगी वो जन्म जन्मांतर की प्राप्ति करेंगे। याद में रहने के बाद, रहने से
तबीयत ठीक होता है ये बोला गया है। तुरंत नहीं ठीक होगा, पूरी है घी में डाली जाएगी तो नीचे पड़ी रहेगी, वो पकेगी, जब वो पकेगी तब ही ऊपर आएगी। ऐसे ही ये जो ज्ञान और जो याद, ये जो पुरुषार्थ है, जब तक हमारे परिपक्व स्टेज पर नहीं पहुंचेगा, हम 63 जन्मों की सीढ़ी नीचे उतरे हैं, 63 न कहें 84 जन्मों की सीढ़ी भी नीचे उतरे हैं। वो सीढ़ी हम चढ़ते चढ़ते उसी स्टेज पर जब तक नहीं पहुंचेंगे जिस स्टेज पर हम पहले जन्म में थे, जब पहले जन्म में थे तो उस समय 2-4-10 सेकंड के लिए हमको देहभान आता होगा, पहले जन्म में आता होगा नहीं आता होगा, तो उस स्टेज पर अभी पहुंचना पड़ेगा कि नहीं, अभी प्रैक्टिस करनी पड़े। ऐसी प्रैक्टिस हम करें कि कम से कम 50% हमारी याद काबिज हो जाए, त्रेता युग की लास्ट सीढ़ी तक हम पहुंचना चाहिए। उस स्टेज तक जब हम पहुंच जावेंगे, माने देहभान को 50% हम कंट्रोल कर लेंगे, तो उस समय जो हमारी शक्ति छीण हो रही है, घड़ी घड़ी माया हमारी शक्ति को छीण कर देती है, दृष्टि की पावर को छीण कर देती है, इंद्रियों की पावर को छीण कर देती, वो छीणता क्या होगा, बंद हो जाएगी। फिर हम लगातार हाथ को ऊपर चढ़ेंगे, फिर हमें ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। मगर ये एक प्रॉब्लम है, जब तबीयत ठीक नहीं रहे तो तबीयत भी हमारे 63 जन्मों में अच्छा नहीं रहे तो ये संगम में हम खुशी कैसे मना। ऐसी बात नहीं है, ऐसी भी आत्माएं हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और जिनके सारे अंग खराब हैं, सारे अंग में डिफेक्ट है, बीमारियां भरी हुई अभी भी, और हमसे आपसे ज्यादा सर्विस कर रहे हैं हम, और आप इतनी सेवा की फील्ड में इतना रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, वो आत्मा ज्यादा दौड़ रही है, तो वो कैसे, क्या हम ही सबसे ज्यादा बीमार हैं? हमसे ज्यादा बीमार नहीं है दुनिया में और कोई, ऐसे ऐसे कैंसर के मरीज हैं जिनको 3-3-4-4 बार कैंसर का अटैक हो चुका, कीमोथेरापी कराते हैं, कितनी हालत खराब हो जाती है उनकी। फिर भी उनका निश्चय अडोल। बाबा एक और एक बार अरे बताना, सेवा का मतलब क्या होता है? दूसरों को खुशी देना, एक सदा काल की खुशी देना। ऐसे तो हम किसी को विकारी बनाएंगे, विकारों का दान दे देंगे विकारी आदमी को, विकारी व्यक्ति को, तो अल्पकाल की खुशी में आ जाएगा, वो सेवा नहीं है। ऐसी सेवा करें जिससे वो सदा काल के लिए जब भी याद करे तो कहे कि चीज हमको बढ़िया चीज दी है, अच्छी सेवा हमारी की है। सेवा या माने खुशी, सेवा करने वाले को भी खुशी और सेवा लेने वाले को भी खुशी। सेवा का मेवा है, देने वाले को भी मेवा मिलता है और लेने वाले को भी मेवा मिलता है। वो खुशी का मेवा बहुत ताकत बढ़ाता है, बहुत शक्ति देता है। भगवत गीता में बोला है कि इस दुनिया का भगवत गीता में बोला है कृष्ण ने, अगर तुम 24 आवर्स मेरा याद करो, तुम्हारा फैमिली को मैं संभाल करता हूँ। ये संगम में एक कैसा लागू पता है? अच्छा चलो, संभाल भी करता हूँ, वो तो कृष्ण की तो बात भी छोड़ दो, आज के गुरुओं की बात ले लो। गुरु लोग जो मनुष्य गुरु है वो भी कहते हैं तो हमारे चेले बने हो,
हम जैसे चलाते हैं वैसे चलो, ऐसे करो वैसे करो, ये तांत्रिक करो वो तांत्रिक करो, तुम सुखी रहोगे। और वो सुखी हो जाते हैं तो एक जन्म के लिए सुखी होते हैं या 84 जन्म के लिए सुखी हो जाते हैं। तो फिर ऐसे यहां भी समझ लीजिए, बाप आत्मा का परिवर्धन करने के लिए आया है, शरीर की प्राप्ति कराने के लिए नहीं आया। शरीर की जो प्राप्तियां हैं वो एक जन्म के लिए है, इसी जन्म के लिए, वर्तमान जन्म के लिए, और आत्मा की प्राप्तियां भविष्य 21 जन्मों के लिए, 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों के लिए भी है। माना आत्मा 84 जन्म तक काम करती रहेगी और 84 जन्मों की भी प्राप्ति अभी वो करा रहा। बाबा मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं बोलो यार पर्सनल पोता मेल नहीं बोलो और बाकी सब बोलो। क्योंकि पोता मेल जो है वो कचरा होता है, कचरा सबके सामने फेंकने से दुर्गंध चारों तरफ फैलती है। कोई आपको श्रेष्ठ समझता है, अच्छा पुरुषार्थी समझता है, तो जो आपको अच्छा पुरुषार्थी समझता है और आपका कचरा मेल आ जाएगा उसके सामने तो नीचे गिरेगा। इसलिए कोई भी नीचे न गिरे तो अच्छा ये है कि हम अपना कचरा या तो जमीन में दबाएं या तो सागर में डालें। हाँ, जमीन में दबाना माने कन्या माताएं जो निमित्त बनी हुई है धरणियां, हाँ उन बोलना नहीं, लिख करके देना। लिख के देने से आधा माफ, बोल करके अभी हम बोल रहे हैं, कल हो सकता है कोई ऐसी स्थिति आ जाए, मुकर भी जाए, देवान आ जाए। बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो हाँ जी हाँ जी। स्थान का नाम तो लिखा करो, मैसूर से हसन, हसन में कोई और भी चल रहा है ज्ञान में? जी बेटी की है, बेटी ज्ञान में चल रही है, बट्टी कर चुकी है, सर दो आत्माएं हैं उधर। कितने चल रहे हैं सर में एडवांस में? बाबा लेकिन वो क्लास नहीं अटेंड कर रहा है, दो तीन साल के पहले आया था ना, तीन चार साल पहले वो बट्टी किया था, अभी क्लास भी अटेंड नहीं करता। हसन में क्या गीता पाठशाला है? नहीं नहीं, हसन यहाँ से कितनी दूर है? 3 घंटे का रास्ता है, तो आना मुश्किल है ना। है 2 घंटे का तो केआर पेट भी है, है? 2 घंटे का मिनिमम तो नहीं आता है, इतना इंटरेस्टेड नहीं है। सब नंबर बार है बाबा, आपसे का स्थिति है, आपको का स्थिति है 2018 बाद में आते हैं किसकी आत्मिक स्थिति 2018 में आता है, लेकिन किसकी आता है? सबकी आता है या नंबर वार आता है? नंबर वार आता है, सबकी कैसे आएगी? ओह